ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जितने भी गोल्ड कार्स एंड बाइक्स लेस्टर लेकर आया था दूसरी कंट्री से, उन स्टैचूज को बेच के उन सभी गाड़ियों को ले जाकर हमने उसके फ्रेंड के किसी घर पर एकदम सेफली खड़ा कर दिया था, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी भी है। अब यार देखो, उसके बाद और पैसा कमाने के लिए ना हमने लॉस सैंटोस में एक रेस्टोरेंट भी खरीद लिया था, बट जैसे हम लोग उसके पेमेंट करने जा रहे थे तो अभी बीच रास्ते में लॉस्ट गैंग के बंदों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जो अटैक है फ्रैंकलिन ने करवाया था, तो इसीलिए लेस्टर ने कहा कि अब तो यार फ्रैंकलिन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको बस मार के खत्म कर देना है, वरना ये अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा सकता है। तो जैसे जैसे उसने कहा वैसा वैसा हम लोग करते गए और फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक करा उसके बेस पर, बट वहां पर वो नहीं था, एक बंदा था जिसे हम किडनैप करके ले आए ताकि वो हमें बता दे कि फ्रैंकलिन कहां पर है। बट यार उस बंदे ने क्या करा कि फ्रैंकलिन के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन पता नहीं कब में उसने फ्रैंकलिन को कॉल करके लोकेशन बता दी जहां पर हम लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, और तुरंत फ्रैंकलिन अपनी पूरी गैंग लेकर आया और उसको छुड़ा कर ले गया, हमें पता भी नहीं चला। अब वो तो अच्छी बात यह है कि सही टाइम पर ना अंडरवाटर माफिया हमारे पास आ गया था जिसने हमें बचा लिया, वरना फ्रैंकलिन के पास तो आरपीजी वगैरह थी, बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाती। बाकी ये लोग यहाँ पर एक गाड़ी की टक्कर की वजह से लड़ रहे हैं, भाई उससे ज्यादा तो मुंह पर टक्कर पड़ जाएगी जितनी गाड़ी पे नहीं पड़ी। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल ना अंडरवाटर माफिया सामने बैठा हुआ है, और सबसे ज्यादा गलत सीन पता है क्या है कि बिग माफिया का भाई इस टाइम पर फ्रैंकलिन का दोस्त बन चुका है, जिस वजह से हमें लास्ट टाइम ज्यादा दिक्कत आई थी। सामने से लॉस्ट गैंग के बंदे हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और पीछे से फ्रैंकलिन बिग माफिया के भाई के बॉडीगार्ड्स को लेकर आ गया था। अब यार देखो, ऐसा तो हमें अंडरवाटर माफिया कह रहा है कि वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने उसे अपने शोरूम चेंज करने से मना कर दिया था, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये मैं क्या देख रहा हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्राइवर यहां पर बैठ के फोन चला रहा है और अंडरवाटर माफिया बियर पी रहा है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। लास्ट टाइम हमने सीधा गांव की तरफ भागे थे क्योंकि कुछ पता नहीं था कि हमारे पीछे पुलिस कब में आ जाए या फिर फ्रैंकलिन हमें आके मारने लग जाए आरपीजी लेकर। तो इस टाइम पर ना गांव ही अपने लिए ज्यादा सेफ था। फटाफट से सबसे पहले तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूं और इस टाइम हम लोग जाएंगे लॉस सैंटोस। लेस्टर का लास्ट टाइम हमें कुछ अता पता नहीं था, बट अभी ना आज सुबह उसका कॉल आया था, वो कह रहा है कि जल्दी से लॉस सैंटोस आ जाओ, वो बिल्कुल सेफ है, और उसने हमें एक लोकेशन दिया वहीं पर आने के लिए बोला है। बाकी आगे का प्लान वो हमें बताएगा कि हमें फ्रैंकलिन का क्या करना है, उसे मारना है, उसे बचाना है, या फिर उसका पूरा का पूरा खेल ही खत्म कर देना है। बाकी तो यार यही है वो गाड़ी जिसकी वजह से हम लोग बच गए थे और इस बंदे से ना हमने यहाँ पर रिपेयर करवा लिया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा से मार दे। चलो छोड़ो यार, इसकी कोई गलती नहीं है, बस डर इसलिए लग रहा है कि ये किसी और को आगे बताना दे। तो भी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से इसे लेकर निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। तो चल भाई जल्दी से आकर बैठो। बाकी यार देखो, अपनी जो गाड़ी है ना बहुत ज्यादा बढ़िया है, पीछे इसके जो गन लगी हुई है ना भाई एकदम ओपी है। बाकी यहाँ से निकल तो जाएगी ना। ओके तो चलो, अभी फिलहाल जल्दी से हम लोगों ने अपनी गाड़ी बाहर निकाल लिया है। हर गाड़ी में नॉर्मली 4 टायर होते हैं, इस गाड़ी में 6 टायर है आराम से। अभी अभी रिपेयर इसने गाड़ी रिपेयर तो कर दी लेकिन वॉश बिल्कुल भी नहीं करी भाई, इतनी गंदी कर रखी है। चलो कोई नहीं यार, अभी इस पे ध्यान नहीं देना, जल्दी से ना छुपा छुपा के अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। वैसे गाइस यार देखो, अंडरवाटर माफिया ने ना अपना दिल जीत लिया, मतलब कि यार इसने बिग माफिया के भाई का साथ देने की बजाय हमार को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, और ये कह रहा है कि यार तुमने भी मेरी जान बचाई थी इसलिए इसने हमारी जान बचाई। तो चलो यार अच्छी बात है, एक बंदा तो ढंग का निकला, वरना अपना तो समझ लो खेल खत्म ही हो गया होता। अभी फिलहाल जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं और फ्रैंकलिन को तो यार हम लोग ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं, और लेस्टर ने मुझे बोला था कि जो अपना नया वाला रेस्टोरेंट है ना जिसे हम खरीदने जा रहे थे बीन मशीन, उसी के पीछे गली में आ जाओ और वो हमें मिल जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर मैं पहले अपने रेस्टोरेंट पहुंचता हूं। वैसे यार पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट, बस आगे वाले कट पर हमें पहुंचना है। तो ओके भाई, इस टाइम पर कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है लॉस सैंटोस में भी, पूरा का पूरा लिबर्टी सिटी वाला हाल हो रहा है, मतलब कि बड़ी गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट या फिर कोई ढंग की गाड़ी तो चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा लेस्टर के पास जा रहा था, बट अभी ना माइकल की डॉटर ट्रेसी का कॉल आया है, और गाइस वो कह रहे हैं कि ना अपने घर पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है, और ये जो बंदे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है, सीधा मार सकते हैं। तो चलो यार अभी ना फिलहाल सबसे पहले तो ना मुझे अपने घर पर पहुंचना पड़ेगा, और जहां तक मुझे लग रहा है ना ये हरकत सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन की हो सकती है, उसी ने लॉस गैंग के बंदों को हमारे घर पर भेजा होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते भगाते सीधा अपने घर पर पहुंचने वाला हूँ माइकल की फैमिली को बचाने के लिए। और गाइस अभी ना जल्दी से मैं काम करता हूँ, जिमी को भी कॉल कर देता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ना वो यहाँ पर पहुंच जाए वेपन्स वगैरह लेकर, या फिर किसी ना किसी बंदे की हेल्प लेकर यहाँ पर पहुंचे। बाकी वो देखो काफी सारे बंदे सामने की तरफ में हैं। अभी ना एक काम करो, कॉल पहले मैं काटता हूँ और अभी जल्दी से ना मैं अंदर चलता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल यहाँ पर काफी सारे बंदे अंदर मैंने जाते हुए देखे हैं। तो ओके वो देखो ऐसे की तैसी, रुक जाओ। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल इसके तो मैं एकदम देसी कट्टा मारने वाला हूँ, निकल गंजे तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब ये लोग तो सारे के सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर लग रहे हैं, बट ये वो नहीं है यार, ये पता नहीं यार कौन से बंदे हैं,
है, हमारे घर पर अटैक करने आया है। और वो देखो अंदर की तरफ पे ना एक बंदा माइकल की डॉटर ट्रेसी को लेकर बैठा हुआ है और सीधा मत्थे पे गोली भजाई है साइड से। ओके अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है। तो ये कौन लोग है, किसने भेज दिए? मेरे को जहां तक लग रहा था कि लॉस्ट गैंग के बंदे होंगे, बट ये तो कोई और ही है। तो ओके अभी फिलहाल ना यहाँ पर और भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं और मुझे अकेले इनका सामना करना पड़ेगा। तेरी भैंस की निकल यहाँ से। अभी फिलहाल ना एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अपनी M249 और M4 बाहर निकाल लेता हूँ। जो भी बंदा भाग कर आएगा इनको ना बस ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि ऊपर माइकल की फैमिली है और अगर ये लोग ऊपर आ गए तो सीधी सी बात है ये लोग मार सकते हैं। बाकी ओ तेरी ग्रेनेड डाल के अंदर आ रहे हैं, निकल भैंस की डांग। अभी फिलहाल यहाँ पर एक गया, दूसरा गया, फिर भी निकल यहाँ से। भाई कितनी जान है इनके अंदर, एक और खा ले, सर पे भी खा ले। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इन सबको तो मैंने मार दिया है और बाकी और इस टाइम पर काफी तेरी भाई अंदर ही बैठा हुआ था भाई, काफी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। एक बंदा ना बाहर से भी ओ नहीं 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 भाई, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, एक गोली में तो ये लोग मरने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। अभी रख रख के रहे इनके पास मत्थे ही मत्थे पे बजानी है थोड़ी ज्यादा। बाकी यहाँ पर एक नहीं दो तीन बंदे हैं भाई। भाई मतलब क्या, ये लोग पूरा का पूरा ना प्लान बनाकर आए थे सीधा पूरी की पूरी माइकल की फैमिली को मारने का अभी। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर इन लोग को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे यार। एक तो अपना घर है, वरना मैं अभी तक ना इनके ऊपर सीधा ग्रेनेड वगैरह डालकर इनका खेल खत्म कर देता। हम लोग जितनी फालतू गोलियां चलाएंगे उतना अपना नुकसान होगा। बाकी एक बंदा यहाँ पर कवर लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है हटा इसको भाई, सब पे M249 है मेरे को तो लग रहा है। ठीक है बराबरी का मुकाबला होने वाला है अभी तो। बाकी चल निकल यहाँ से भाई, पूरा का पूरा घर मेरे को लग रहा है रेनोवेट करवाना पड़ जाएगा जिस तरीके से फाइट चल रही है। बट हाँ यार अभी फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है माइकल की फैमिली को बचाना, बाकी घर वर तो यार आते जाते रहेंगे। बाकी यार एक सेकंड रुक जाओ, ये बंदा मरा नहीं है मेरे हिसाब से, पहले ना इसको मैं मार देता हूँ अच्छे से। चलो बेटा अभी इसके सीधा मत्थे ही मत्थे पे रख के गोली बजाई है। अभी फिलहाल मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन यार जहाँ तक मुझे लग रहा है बाहर से भी काफी सारे बंदे आ रहे हैं। अभी जल्दी से निकल, ओ तेरी भाई यहीं पर छुपकर बैठा हुआ था, रुक जाओ। ओ नहीं नहीं तेरी, निकल यहाँ से, ओ ओ एक निकल यहाँ से। तो चलो फिलहाल दो बंदे थे दोनों को मैंने मार दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही जान बची है। और वो देखो भाई इतने ज्यादा बंदे कहाँ से टपक रहे हैं, भग तेरी एक और खाया पर। लो भाई रख रख के जो बजाऊंगा ना इनके बेचारे रोएंगे गंदी तरह। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल अब तक तो एकदम वेदर नॉर्मल था और झटके से बारिश भी होने लग गया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले एक सेकंड भाई सब कैसे भुगता हुआ आ रहा अंदर यार, उस वाले गेट से ना कोई अंदर ना घुस जाए। अभी ना मेरे को एक बार ना जल्दी से ना बस ड्राइवर को कॉल करना है, वरना यार ये ना एक के बाद एक आते रहेंगे। अभी ये देखो ये वाली जो गाड़ी है ना अभी अभी आई है और इसके अंदर भी काफी सारे बंदे आए हैं। बट कोई नहीं अपनी जल्दी से मैं M4 निकाल के पहले इसको मारता हूँ। बाकी वो देखो पीछे की तरफ में एक और था, ये भी गया। बाकी तू भी निकल, ओ पीछे से नहीं, पीछे से नहीं भाई, सब पीछे से कहाँ से भाग कर आ रहा है, ये घर के अंदर से आ रहा है भाई, कोई ऊपर ना चला गया। मेरे को बस डर इसी बात का लग रहा है क्योंकि मैंने ना घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती कर दी। बाकी एक बंदा तो यहाँ पर है, मेरे को झांक के मारेगा। चल निकल यहाँ से, मैंने इसका साउंड ही सुन लिया था पहले। बाकी एक बंदा और है मेरे हिसाब से आगे, मेरे को लग तो रहा है कोई ना कोई वहाँ पर है वो शायद से। अच्छा बेटा गाड़ी के अंदर बैठे, चल तेरी तू भी निकल यहाँ से। लो भाई दोनों के रख रख के बजाई है। बाकी भी फिलहाल जल्दी से हमें अपनी फैमिली के पास चलना है ये चेक करने के लिए कि वो लोग ठीक है या फिर नहीं है। बाकी तू निकल यहाँ से, इसको तो भाई मैंने मार दिया। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ओके अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ। ओ भाई ये कौन है, एक सेकंड भाई सबको मार दिया था मैंने ऊपर, मेरे को पता था कोई ना कोई ऊपर पहुंच गया होगा। एक सेकंड अभी फिलहाल, ओ ओ एक सेकंड ये लाइट किसने बंद करी। ओ भाई सब ये कौन आ रहा है नाइट विजन लगा के। ओ भाई ये 100% जिमी है, सही टाइम पर मैंने उसको कॉल कर दिया। तो ले बेटा निकल यहाँ से। ओ भाई 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 ये जिमी हो काश। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसा कि मेरे को लग रहा था जिमी यहाँ पर था, मतलब क्या सही टाइम पर हमने इसको कॉल कर दिया था। और ये तो अटैक समझ के पूरी की पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन कर आ गया। चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर इन लोग को हमने बचा लिया, बट अभी मुझे नहीं मालूम। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल आज तो हम लोग जैसे तैसे कर बच गए, बट अभी ना मुझे नहीं मालूम कि ये लोग अभी हमारे ऊपर दोबारा अटैक करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये अटैक हमारे ऊपर किया किसने था। तो चलो गाइस यार आज की वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है ये अटैक हमारे ऊपर किसने करवाया होगा।